होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 25 पेज 398। स्पाइवेयर लिमिटेड इज अ पाकिस्तानी कंपनी इन्वॉल्व इन द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एंड सप्लाई ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। घर तक इन्वेस्टिगेशन करने आ जाते हैं ये लोग। स्पाइवेयर लिमिटेड इंपोर्टेड अ लार्ज बैच ऑफ एडवांस्ड मॉनिटरिंग डिवाइसेस फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी एट अ टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ $1,00,000। तो ये इन्होंने सामान इंपोर्ट किया है ताकि सामान को आगे बेचें। पेज 398। The advanced monitoring devices were ordered from the American company on 25 March. Order की डेट को इग्नोर करें। 25 मार्च को हमने ऑर्डर किया है एंड वर शिप्ड ऑन 15 जुलाई 2015। शिपिंग की डेट को भी इग्नोर करें क्योंकि CIF बेसिस है। शिपिंग की डेट को भी इग्नोर कर दें। CIF बेसिस का मतलब है कि जब चीजें पाकिस्तान में आएंगी तब हमारी बनेंगी। एंड अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 25 जुलाई 2015। इस फिगर को गले लगाएं। चलें जी, 1,07.6 लाख। तो पहली एंट्री बन जाएगी इन्वेंटरी डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 1,07.6 लाख 7,60,000। नेक्स्ट, द एडवांस मॉनिटरिंग डिवाइसेज आर टू बी सोल्ड वाया वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स। ये जो मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं या कैमराज हैं, जो भी आप इसका नाम रखें, ये बेचे जाएंगे रिटेल आउटलेट्स के जरिए ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 की रात को 80% ऑफ द मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैड बीन सोल्ड। 80% मॉनिटरिंग डिवाइसेस बिक गई हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं मॉनिटरिंग डिवाइसेस हमने रिकॉर्ड किस पे की हुई हैं? 7,60,000 पे। इसमें 80% बिक गई हैं। इसका मतलब है इन्वेंट्री हमारी सारी चली गई या 80%? 80% इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की है? 7,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 80% 608,000। लेकिन इस एंट्री में सिर्फ इन्वेंटरी का जाना रिकॉर्ड हुआ है, सेल का बढ़ना रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब हम सेल का बढ़ना भी रिकॉर्ड करेंगे। सेल में उसने नहीं बताया कि कैश सेल हुई है या क्रेडिट सेल हुई है, तो फिर कैश सेल ही लेके कैश डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री कर देते हैं। अब ये सेल की प्राइस मिसिंग है लेकिन मार्कअप की परसेंटेज अवेलेबल है। तो इस सूरत में हम डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की बजाय कैश डेबिट सेल क्रेडिट कर देते हैं। 6,08,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120 या फिर 6,80,000 6,08,000 जमा 6,08,000 का 20%। बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे कंसोलिडेशन में, मार्कअप मार्जिन की परसेंटेजेस को, इनको कैसे निकाला जाता है और कैसे यूज किया जाता है। अगर आपको ये भी भूली हुई है FR1 वाली, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है जी। क्या अमाउंट आ गई? 7,60,000। अब आपके जहनों में कोई सवाल है कि इन एंट्रीज को इसकी बजाय इस तरह कर लेते वो लेने से पहले सवाल, मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं। ये हमने चीजें खरीदी हैं और ये हमने चीजें बेची हैं। ये हमने चीजें बेची हैं। बेचने की आपको पता है दो एंट्री होती है, इन्वेंट्री का जाना और सेल का बढ़ना। तो खरीदी हुई में से सारी बेच दी या 80% बेच दी, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 80% की बुक की और उसी प्राइस के बेस बना के आपने सेल भी बुक की। अब आपके जहनों में अगर और कोई तरीका आ रहा है जनरल इंटरेस्ट करने का तो वो विशाखा आप पूछ लें। यहां तक मेरी बात मुकम्मल होगी। उसने बताया नहीं परपेचुअल सिस्टम है या पीरियोडिक है। इनके सवाल का निहायत ही जबरदस्त जवाब मैं आपको देने लगा हूं। अगर कभी भी सवाल के अंदर कॉस्ट दी हो बिकी हुई चीजों की, तो आपने हमेशा एज्यूम करना है परपेचुअल सिस्टम है। दो एंट्रीज करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट और कैश या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आखिरी चीज क्या रह गई है? क्रेडिटर को पेमेंट हमारे साल हुई है अगले साल हुई है, तो फिर इसका मतलब है हमारे साल वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। तो 2 फरवरी 2016 को पेमेंट हो रही है, अगले साल 31 दिसंबर 2015 का रेट लेके हम इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। लाख वाले डेटर 7.5 यानी 7,10,000 रुपए लेके जाने हैं, पड़े कितने हैं? 7,60,000 रुपए। तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजर गए। और कौन सा सवाल था होमवर्क में? कोई भी नहीं था। ओके, हाँ MCQs इंशाल्लाह आज क्लास के बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट के लिए आपको किसी रूम में बुलाया जाएगा और वहाँ डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा जरा थ्योरी में देख लें, कोई चीज़ रह तो नहीं गई? पहले सफ़े से आएँ, स्टैंडर्ड खत्म हो गया हमारा। पहले सफ़े से आएँ, पेज 385। टेस्ट इसका मंडे को होगा ना, बड़ा अच्छा टेस्ट है। उसमें एक सवाल है जिसमें मल्टीपल सिनेरियोज डिस्कस हो गए हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपकी एक अच्छी रिविजन हो जाएगी टेस्ट का सवाल करके। नहीं फिलहाल एथिक्स नहीं है टेस्ट में, फिलहाल IAS 21 है।
एक भाई एथिक्स पूरा हो जाए फिर करेंगे। फॉरेन करेंसी हमने पढ़ लिया था, एक्सचेंज रेट, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज, पेज 385, स्पॉट रेट, द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लोजिंग रेट, बैलेंस शीट डेट के एंड का रेट, क्लोजिंग रेट, एक्सचेंज डिफरेंस, वो जो वर्सेज वाली कैलकुलेशन होती है, वर्सेज लिख लें, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस वर्सेज वाली कैलकुलेशन होती है, अ डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, मॉनेटरी आइटम्स, यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, यानी कैश एंड बैंक इन इटसेल्फ भी मॉनेटरी हैं, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड, और रिसीवेबल पेएबल भी मॉनेटरी हैं। एग्जाम्पल्स विशाख आप इधर से काट दें, क्योंकि एग्जाम्पल्स नीचे अगले सफे पे बड़ी डिटेल से दी हुई हैं। अच्छा जी, नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर नॉट डिफाइंड बाय आईएस 21, नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन आईएस 21 में नहीं है, बट देयर आइटम्स दैट आर नॉट मॉनेटरी आइटम्स, इनके भी एग्जांपल्स आप इशारा काट दें। ओके अच्छा, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स हम कौन कौन सी पढ़ी हैं हमने, हमने बाय किए हैं गुड्स बाहर के मुल्क से, सेल किए हैं गुड्स बाहर के मुल्क में, हमने लोन बोरो किया है, हमने फिक्स्ड एसेट खरीदना सीखे बाहर के मुल्क से, और हमने डिविडेंड्स वगैरह पे करना नहीं सीखा, क्योंकि ये हमारे स्कोप में नहीं। इस तरह तो ये तीन चार फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हैं जो हमने पढ़ी हैं। अच्छा, हमारे कुछ प्रेजेंटेशन करेंसी डेफिनेशन हो गई थी कल। अच्छा, अब पेज नंबर 387, हमारे कुछ आइटम्स अभी रह गए हैं, उन आइटम्स पे ऐसा करते हैं कि स्टैंडर्ड का नाम लिख लेते हैं जो आने वाले दिनों में हमने पढ़ने, ताकि वहां से हेल्प हो जाए, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें समझा नहीं सकता। IFRS 9 हमने पढ़ना है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी और एसेट जो आज हम स्टैंडर्ड शुरू करेंगे, IAS 12 रिफंड लाइबिलिटी, IAS 37 प्रोविजंस, दोनों किस्म की प्रोविजंस, IAS 37 15, 16, 17 और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, IFRS 9 अच्छा जी, ये तो आपको बता दिया हुआ है, आप एडवांस पे कर दें फॉर गुड्स, थोड़ा सा जरा सोचिएगा एडवांस पेड क्या होता है। आप होंडा कार्स को जहन में रखें, होंडा कार्स ने गाड़ी के टायर खरीदने के लिए एडवांस पे कर दिया, अब बदले में क्या आएगा, पैसे या टायर? इसलिए पैसे नहीं आने तो ये क्या है, होंडा कार्स ने सरासिफ से एडवांस लिया कि इनको गाड़ी फ्यूचर में बेचेंगे, अब बताएं लाइबिलिटी टू बैक कैश या लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, इसलिए ये भी नॉन मॉनेटरी। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताएं, अगर आप मोबाइल का प्रीपेड कार्ड खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, मतलब ये होता है कि भी आपने फोन कॉल्स नहीं की, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया, आप बताएं प्रीपेड एक्सपेंस की अगली एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, तो क्या आपने अब किसी से कैश पे करना है किसी को या ऑलरेडी पे कर दिया है, तो अगर प्रीपेड बैलेंस शीट में नजर आ रहा है तो इसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपने सर्विस लेनी है। एक और मिसाल, मिसाल के तौर पे आपको वापडा वाले आके कहें कि भाई जान दिसंबर का महीना चल रहा है, हमें अगले साल का बिजली का बिल दे दो तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं, आपने इस साल अगले साल का बिजली का बिल दे दिया, अब आप प्रीपेड डेबिट करेंगे कैश, तो ये प्रीपेड के अगेंस्ट अब फ्यूचर में आपको सर्विस आनी है या फ्यूचर में आपको पैसे लेने देने हैं, तो पैसे लेने देने हो तो मॉनेटरी आइटम होता है, अगर सर्विस इन्वॉल्व हो जाए या गुड्स इन्वॉल्व हो जाए तो नॉन मॉनेटरी होता है। और प्रोविजंस आईएस 37 में देखेंगे, इक्विटी फाइनल अकाउंट में देखेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ये पढ़ी थी आईएस 38 में, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा देखें, एक चीजों की ना ओरिजिनेट होने की एंट्री होती है और एक उसके बाद सेटल होने की एंट्री होती है, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की पहली एंट्री क्या होती है, हुकूमत ने आपको ग्रांट दी, कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। अब जैसे जैसे आईएस 41 में हमने पढ़ा था कंडीशन पूरी होती रहेगी, तो क्या एंट्री होती रहेगी, डेफर्ड इनकम डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट। तो बता दें फ्यूचर में कैश इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसलिए आज ही कैश आ गया, तो अब ये जो अकाउंट नजर आ रहा होगा क्या मैं कह सकता हूं इसके बदले कोई पैसे लेने देने हैं, अगर बैलेंस शीट डेट पे ये अकाउंट नजर आ रहा हो किताबों में और अगले साल ये एंट्री होनी हो, तो क्या ये पैसे लेने देने हैं या कोई नहीं लेने देने, पहले ही पैसे ले लिए ना, तो अगर पैसे लेने देने फ्यूचर में हो उसे कौन सा आइटम कहते हैं, मॉनेटरी, तो ये भी इसलिए क्या होगा, नॉन मॉनेटरी। अगर ऐसी बात हो कि ये पैसे आपने वापस कर देने हैं अगर कंडीशन पूरी ना हो,
तो ये एक जनरल रूल है या एक्सेप्शन है? तो जनरल रूल अप्लाई किया जाता है अनलेस के सवाल कहते हैं ये पैसे वापस करने हैं क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही, फिर आप उसको मॉनिटरी कहने लग जाओ, लेकिन आम हालात में तो ये नॉन मॉनिटरी है। तो नॉन मॉनिटरी चीज क्या होती है? जिसे जब रिकॉर्ड करें, ऊपर देखें, जिसे जब रिकॉर्ड करें तो उसके बाद कैश इन्वॉल्वमेंट उसकी खत्म हो जाए। तो इसे रिकॉर्ड कर दिया, अब इसके बाद कैश इन्वॉल्व होने या ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए इसको नॉन मॉनिटरी कहेंगे। तो ये कुछ नाम है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी के जो आपने याद करने थे, बाकी चीजें हाँ बस ठीक है। ओके आईएस 12 शुरू करें। उस क्लास में कोई बैठे भाई, अब्दुल्ला ने एक किताब ढूंढी थी, किताब जरा लेके आए, ये पढ़ी है। अच्छा कोई IFRS है किसी के पास? कोई गलती से IFRS बैग में रख के ले आया हो, ओरिजिनल कोई गलती से रख के लाया हो? ओके अच्छा जी भाई, ये जो IS 12 है, IS 12 है, इसमें हमारे टैक्स लॉज में और हमारे IFRS में इख्तलाफ है। IS 12 इन इख्तलाफात को डील करता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे टैक्स लॉज है, मैं कहता हूं पाकिस्तान के कंपेंडियम, नहीं नहीं ना बोलो, खैर है, ऑफ टैक्स लॉज, कंपेंडियम ऑफ टैक्स लॉज, डैश ऑफ टैक्स लॉज। अब ये जो कंपेंडियम ऑफ टैक्स लॉज है, इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, इनकम टैक्स रूल्स भी आ रहे हैं, सेल्स टैक्स भी आ रहा है, एसए सलाम पब्लिकेशंस, और अगर आप इसका एड्रेस देखें तो ये एड्रेस जो है वो आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर क्वेटा सेंटर पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लाहौर। तो ये किताब पाकिस्तान में बनी है और ये लॉ भी कहां बने? पाकिस्तान में बने। हो सकता है ये लॉ कहे कि आप एसेट को डेप्रिशिएट करो 15% डेप्रिसिएशन का रेट लगा के, हो सकता है ये लॉ कहे एसेट को डेप्रिशिएट करो 15% डेप्रिसिएशन का रेट लगा के। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मुकाबले में खड़े होंगे IFRS, मुकाबले में क्या खड़े होंगे? IFRS, जो घर में आपके पास मौजूद है IFRS स्टैंडर्ड्स। तो एक तरफ आप इस किताब को रख दें, ये किताब कह रही होगी कि एसेट को डेप्रिशिएट करो 15% पे, और IFRS के स्टैंडर्ड कह रहे होंगे आप देखो कि पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। अगर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ये है कि इसने 10 साल फायदा देना है तो इसको आप 10 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करो। इसमें जरा लॉजिकल बातें होंगी IFRS के अंदर, लेकिन जो दुनिया के टैक्स रूल्स हैं वो हर मुल्क के अपने अपने हैं, उसमें जरूरी नहीं लॉजिकल बातें हों, उसमें बस लॉ मेकर जो मर्जी उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो कई दफा ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के लॉ में ही कुछ एसेट्स को पहले साल 90% भी डेप्रिशिएट करने दिया जाता है, तो इस लॉ में यहां तक भी इजाजत मौजूद है, लेकिन ये जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं ये लॉजिक बेस्ड हैं, तो ये ऐसी बातें अलाउ नहीं करते। तो हम जो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स जमा कराते हैं वो इस ग्रीन बुक वाले लॉज के मुताबिक टैक्स जमा करवाते हैं, और अगर आप इस किताब पे जाके देखें तो आपको इस पे लंदन का एड्रेस नजर आएगा, घर जाके देखिएगा, इस पे आपको लंदन का, पता नहीं यूनाइटेड किंगडम का कहां का आपको एड्रेस नजर आएगा, इस पे आपको पूंछ रोड का नजर नहीं आएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर ने, ये पूरी दुनिया के अंदर बाहर बने हैं, तो ICAP ने सिर्फ इनको रीप्रिंट करने की इजाजत मांगी है जो आपको ICAP ये दे रहा है लॉज। हत्ता कि ICAP को इतनी भी इजाजत नहीं दी दुनिया के स्टैंडर्ड वालों ने कि आप इसमें से रेलिवेंट स्टैंडर्ड निकाल के प्रिंट करवा लें, वरना ICAP से हमने कई दफा ये बात की है कि भाई जान जितने 4-5-6 स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है उसकी एक अलग से किताब बना दें बच्चों को, तो ICAP कहते हैं हमें बाहर से इजाजत नहीं मिल रही, किताब देनी है तो पूरी देनी है बच्चों को, ये कोई शॉर्ट फॉर्म किताब कर सकते कि IS 2 निकाल लो, IS 16 निकाल लो स्टैंडर्ड में से और एक अलग किताब बना के जो है 150 सफों की बच्चों को दे दो, ये वो जो 4-5 किताबें आई हैं घर में तो वो 5 पूरी ही लेनी है, तो लेनी है, दरमियान में से कोई एक किताब जो स्टैंडर्ड ICAP छाप नहीं सकता। तो ये इसलिए कि ये दुनिया के स्टैंडर्ड है। तो दुनिया के स्टैंडर्ड्स में और पाकिस्तान के टैक्स लॉ में क्या डिफरेंस होगा या सिमिलैरिटी होगी? डिफरेंस होगा। अब इस डिफरेंस को हम टैकल किया करेंगे, और जिन हजरात ने पढ़ा हुआ है टैक्स पहले तो उन हजरात ने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आज हम सीखेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन उल्टाना है, रिकॉर्ड करनी है। तो जिन्होंने पहले टैक्स पढ़ा हुआ है आज की डिस्कशन सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगी कि किन चीजों को न्यूमेरिकल में आपने कैसे डील करना है और कैसे टेकअप करना है। तो बहरहाल हम तो स्क्रैच से काम करेंगे ये ज्यूम करते हुए कि किसी ने भी टैक्स पहले नहीं पढ़ा हुआ। ओके चलिए जी लेक्चर नोट्स निकाल लें। IS 12 का पहला सवाल पेज नंबर 538। अच्छा क्लास के एंड पे इंशाल्लाह वो जो लीज का सवाल कंटिन्यू किया था उसको रिज्यूम करेंगे। अच्छा ये जो आपके सामने इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है, ये जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है सिर्फ आज जो मैं बातें करूंगा ना ये सिर्फ उनको हेल्प आउट करेंगी, आगे जब डेफर्ड टैक्स शुरू हो जाने मंडे से तो फिर आपके टैक्स का नॉलेज आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, प्योरली वो अकाउंटिंग की डिस्कशन होगी। तो ये ना समझिएगा कि आज चीजें जो है वो टैक्स जैसी हैं तो आइंदा भी टैक्स जैसी होंगी, बिल्कुल टैक्स जैसी नहीं है, जमीन आसमान का चीजों में फर्क है। और जिन्होंने टैक्स लॉज टैक्स की किताब पढ़ी हुई है तो वो टैक्स के रूल्स याद मत करें, टैक्स में जो उन्होंने पढ़ा है वो भूल जाएं, क्योंकि टैक्स वाले कौन से रूल्स लगाएंगे वो सवाल बता दिया करेगा।
मिस्टर कासिम है शेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस किन रूल्स के मुताबिक बना होगा, पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक या आईएफआरएस के मुताबिक? आईएफआरएस के मुताबिक। पेज 538 है, ढूंढवा दें वरना ये साथ वाले ढूंढते ही रहने एंड तक। तो आईएफआरएस के मुताबिक ये प्रॉफिट एंड लॉस बना होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है उर्दू में, क्या होना ही है भाई फरमा रहे हैं, ठीक है? तो और कोई बाय डिफॉल्ट का अच्छा सा उर्दू में तर्जमा? भाई कह रहे हैं एज्यूम, बाय डिफॉल्ट को उर्दू में तर्जमा एज्यूम। मुसल्लम हकीकत चल जाएगा लफ्ज़? नहीं चलेगा, चलें इम्प्लाइड, इम्प्लाइड ये बात ऑब्वियस है उर्दू में। तो ये चलें देखते हैं इम्प्लाइड का मतलब, देखते हैं इम्प्लाइड का मतलब उर्दू में तयशुदा। वैसे बात भाई ने जो है ना कमाल किया है, इम्प्लाइड मुजम्मर, मुजमिर होगा या मुजम्मर होगा पता नहीं, चलो पता चला उर्दू भी फारग है। तो मिस्टर कासिम है शेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या एज्यूम करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस किन रूल्स के मुताबिक बने, आईएफआरएस के मुताबिक बने। कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, एडमिन के खर्चे आ रहे हैं, उसमें कुछ सैलरीज वगैरह हमने पे किए हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस किए हमने, अमॉर्टाइजेशन से मुराद इंटेंजिबल्स को अमॉर्टाइज किया होगा, बिल्डिंग के बेचने पर लॉस आया है। अच्छा ये ना आप कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐड होने लगी हैं, जो लॉस या जो डेप्रिसिएशन हमें P&L में नजर आ रही होगी ना, इसको हम कहा करेंगे अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। क्या इसका नाम दिया करेंगे? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। ये जो लॉस आया है ना बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का लॉस किन रूल्स के मुताबिक आया है, बोलें ये किन रूल्स के मुताबिक आया है? तो इस किताब के मुताबिक बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या निकाला है? लॉस। इसलिए इस लॉस का अच्छा सा नाम लिख लें, अकाउंटिंग वालों का लॉस, या फिर इसको हम कहा करेंगे आईएफआरएस के मुताबिक आया हुआ लॉस। ये जो बैड डेट एक्सपेंस है ना, ये एक एस्टीमेट होता है कि हमारे ख्याल से इतने डेटर पैसे लेके भाग जाएंगे, ये एक अंदाजा है। तो ये अकाउंटिंग वालों की नजर में बैड डेट है, ये अकाउंटिंग वालों की नजर में बैड डेट है कि हमारे ख्याल से इतने लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। पेनल्टी टू गवर्नमेंट, आपने कोई लॉ वायलेट किया होगा, हुकूमत ने कहा होगा भाईजान पेनल्टी जमा करवाओ, आपने जाके हुकूमत के खजाने में क्या जमा करवा दी होगी? पेनल्टी। अदर इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग बेचने पे क्या आ रहा था? लॉस। फर्नीचर बेचने पे क्या आ रहा है? गेन। इस गेन का क्या नाम रखेंगे? अकाउंटिंग वालों का गेन। यानी इस किताब के मुताबिक जो है, इस किताब के मुताबिक हमने गेन निकाला है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, यानी कि हमारा कोई नॉर्मल बिजनेस भी होगा, मिसाल के तौर पे हमारा बिजनेस है सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके साथ साथ हमने कोई मुल्तान में जाके बाग भी लगाए होंगे मांजोज के, मैंगोज के, ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कहते हैं अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। तो कभी ये पेपर में PBT के नाम से गिवन होगा आपको, कभी ये गिवन होगा अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट के नाम से। So that was all about accounting rules. Sale कितनी है accounting वालों की? 200. Accounting वालों के मुताबिक cost of sale 50. Accounting वालों के मुताबिक salaries 13. Accounting वालों के मुताबिक depreciation 17. Accounting वालों के मुताबिक building के बेचने पे loss आया 19. Accounting वालों के मुताबिक bad debt 21. Accounting वालों के मुताबिक penalty 22. Accounting वालों के मुताबिक gain 4. Accounting वालों के मुताबिक interest income 7. Accounting वालों के मुताबिक agriculture income। अब जब आप ये प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, फर्ज करें ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने इंट्रोडक्शन या FR1 की क्लास में बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया, बना के इसको उठाया, उठा के आप लेके चले गए FBR वालों के पास, इसको, इस प्रॉफिट एंड लॉस को आप लेके चले गए FBR वालों के पास, और FBR वालों के पास जब आप गए तो FBR पहुंचे तो ये वाली किताब यहां पर पड़ी हुई थी FBR वालों के पास। अब FBR वालों ने आपसे पूछा कि भाईजान हमारा पहला सवाल है, ये आपने डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया है? आपने डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की है, वो लाइफ पे डिवाइड कर दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया। चुप, शर्म नहीं आई तुम्हें? इस किताब को पढ़ा था? नहीं जी, इस किताब को तो नहीं, ये भी किताब होती है पाकिस्तान, हाँ हाँ ये भी होती है पाकिस्तान में, नहीं पता इस किताब में क्या लिखा हुआ था, इस किताब में WDV लगाने। अच्छा ठीक है, फिर क्या मतलब, यानी कि आप 17 को माइनस नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं माइनस करने देंगे 17 को, फिर आप क्या, यानी कि क्या आप चाहते क्या हैं? तो इस 17 को टैक्स वालों ने पकड़ के हाईलाइट कर दिया कि 17 पे हम एतराज करते हैं। तो टैक्स वाले कहेंगे भाईजान आप ऐसा करो, इसकी जगह ना हम आपको 23 माइनस करने देते हैं, इसकी जगह हम आपको
आपने कितना माइनस किया है 17, इसकी जगह हम आपको कितना माइनस करने देते हैं 23। आपकी बात से खिलेंगी, तो खिलने की वजह यह होगी कि 17 की जगह जब 23 माइनस होगा तो 23 माइनस होके ज्यादा माइनस होगा, ज्यादा माइनस होने से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा तो घर में पैसे बचेंगे, जब घर में पैसे बचेंगे तो आप चीजें खरीदेंगे, चीजें खरीदेंगे तो खाएं, सॉरी वापस आ जाए, सादा सी बात हमने समझनी थी, खर्चा कितना था, कितना माइनस करने दिया 23, इससे प्रॉफिट प्रॉफिट कम हो गया तो आपको खुशी होगी क्योंकि आपको क्या देना पड़ेगा टैक्स का। तो सब आज की बहस का मरकज यह है कि हम 81 पे टैक्स नहीं देंगे, वी आर नॉट सपोज टू पे टैक्स 81, ये रुपीज इन बिलियन है, रुपीज इन बिलियन है, मैं अपनी तरफ से ये रुपीज इन बिलियन है, तो 81 बिलियन पे टैक्स नहीं देना आपने, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टैक्स टू बी पेड टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो हमने टैक्स देना है वो हम निकालना चाह रहे हैं। ओके, अब ये किताब हमने ये करके नीचे रख दी। फिर टैक्स वालों ने अगला सवाल पूछा, ये क्या जगर, आपने कहा ये वो जो हमारी बिल्डिंग नहीं थी वो चुंग रोड पे, तो वो बिल्डिंग जो है ना उस बिल्डिंग को हमने बेच दिया है। अच्छा कैसे गेन निकाला, आपने कहा वो डिस्पोजल का टीकोण बनाया था, एक साइड पे बीवी डाली थी, दूसरी साइड पे सेल प्रोसीड डाली थी और बैलेंसिंग P&L आ गया था। बीवी कैसे कैलकुलेट की थी जी, बीवी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस की थी, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन माइनस की थी, शर्म नहीं आती, तुम्हारी बीवी गलत है और भाई जान बीवी स्ट्रेट लाइन वाली सही है, गलत है, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे, इसमें कहते हैं हमने एक तरीका एक बताया हुआ है WDV कैलकुलेट करने का, बात करो बदलते हैं, इसमें तरीका बताया हुआ है बीवी कैलकुलेट करने का, वो कौन सा तरीका बीवी कैलकुलेट करने का, WDV, वो लगाना चाहिए था तुम्हें, और उस तरीके के मुताबिक बीवी नहीं चाहिए, बीवी को भी सेल प्रोसीड से कंपेयर करके हमने गेन लॉस निकालना होता है। अच्छा अब ये तो गेन लॉस है जो अकाउंटिंग वालों ने निकाला हुआ है, लेकिन टैक्स वालों ने कहा कि बिल्डिंग के बेचने पे हमारे ख्याल से कितना लॉस आ रहा है 16। अब 19 टक्कर खाएगा किससे, 16 से। तो दो बातों पे टैक्स वालों ने एतराज कर दिया, एतराज करने के बाद हमें कंपनसेट भी किया कि भाईजन 17 नहीं 23, 19 नहीं 16। अगला सवाल टैक्स वालों ने पूछा, ये क्या है जी, वो अंदाजा लगाया था कि रशीद, कामरान और बबलू पैसे लेके भाग जाएंगे, क्या मतलब पैसे लेके अंदाजा लगाया था, भागे तो नहीं, भागने देंगे भी नहीं हम इंशाल्लाह, लेकिन हमारा ख्याल है कि भाग जाएंगे, हमें लग रहा है चपेड़ मारूं भाग जाएंगे, भागे कितने हैं सर, भागे तो भी सिर्फ 11 हैं, भागे कितने हैं, सोचा क्या था कितने भागेंगे, 21, भागे कितने 11, ये आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। लाइट ग्रीन, पिनक, क्लियर, तो फिर टकराव आ गया, इस किताब के मुताबिक कितने माइनस करने, 11, इस किताब के मुताबिक कितने माइनस करने, 11, और इसके मुताबिक कितने माइनस करने, और इसके मुताबिक 11, आगे चले, हो ये क्या है सर, वो इशारा भी तोड़ दिया था, खंबा भी तोड़ दिया था, सिग्नल भी तोड़ दिया था, सिक्योरिटी कैमरे भी तोड़ दिए थे, 22 बिलियन रुपए का नुकसान किया, मोटरवे पे किया था, सारी मोटरवे पे सब तोड़ते हुए चले गए थे हम, तो हैवी नुकसान किया हुकूमत का, ये जो है ना इस खर्चे को हम पसंद नहीं करते, ये खर्चा हम मानते ही नहीं सर, 22 का खर्चा मैं, चुप, शर्म नहीं आती, ये किताब खोल के देखिए जी, खोल लेते हैं, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 0.6 के पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, पेनल्टी इज, अब हमने इस किताब को ऊपर ही रख लिया, हमने कहा बार बार निकालनी पड़ेगी, इधर ही रख लो, पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो पेनल्टी के बारे में जी टैक्स वालों ने क्या अपना फतवा दिया कि पेनल्टी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत ही नहीं है, कौन सा कलर, अच्छा जामुन और स्काई ब्लू मिलके ब्लू बन रहा है, अच्छा पेनल्टी इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, पेनल्टी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये क्या है, वो जी कुर्सी बेच दी थी गलती से तो 4 बिलियन का गेन आ गया था, कुर्सा था कुर्सी थी, अच्छा जी तो कुर्सी बेच दी थी तो कुर्सी बेच के हमें क्या आ गया जी, गेन आ गया, कैसे निकाला गेन जी, वो एक साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में बीवी रखी थी, एक साइड पे सेल प्रोसीड रखी थी, बैलेंसिंग गेन लॉस आ गया था, बल्कि अल्लाह का शुक्र है गेन आ गया था, कैसे कैलकुलेट की थी बीवी, हमने कहा कॉस्ट में से स्ट्रेट लाइन चपेट मारो, हमने कहा हुआ है इस किताब में कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, WDV, कुछ जरूरी नहीं इस किताब में WDV हो सकता है स्ट्रेट लाइन भी हो, वो सवाल हमें बता दिया करेगा, तो कहते हैं हमने कहा हुआ है इस किताब में आपने WDV माइनस करना है, तो WDV से
मेथड से बुक वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर सेल प्रोसीड से कंपेयर करो, और फिर तुम्हारा गेन आ रहा है कोले 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 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इस गेन को हम मानते हैं, इस गेन को हम मानते हैं। तो टैक्स वाले 4 की बजाय कितना गेन रिकॉर्ड करेंगे? 6। ये क्या है? इंटरेस्ट इनकम। चलो ठीक है, आगे कोई मसला नहीं, हमें इस पे कोई एतराज नहीं, आगे चलें। ये आपने भी इसको इनकम में डाला है, हम भी इसको इनकम में डालते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, आगे तशरीफ ले चलें। ये क्या है? सर मैंगो बेचे हैं। ओए होए होए, मैंगो बेचे हैं यार, तू तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। जिगर जफी डाल। क्या क्या हुआ सर? इस 12 के बारे में हम तुझे खुशखबरी सुनाते हैं, इस पे हम टैक्स तेरे से नहीं लेंगे, इस पे हम टैक्स तेरे से नहीं लेंगे। अब ये जितनी चीजें हैं जिन पे टैक्स वालों ने एतराज किया है, जितनी चीजें हैं जिन पे टैक्स वालों ने एतराज किया है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इनको हम उल्टा देंगे, इनको हम उल्टा देंगे, और इस 6 को, इस 23 को, इस 16 को और इस 11 को हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। चलें जी, नोट कर लें किस किस को उल्टाना है और किस किस को रिकॉर्ड करना है। जी 4 भी उल्टेगा, इसके लिए कलर कौन सा था 4 के लिए? नीचे ये सबसे ऊपर वाला 4 के लिए नीचे कितना है? अच्छा ये 6 है ना, हाँ तो इसको भी, ये दो दफा जामनी हो गया, खैर है, इसको भी उल्टाएंगे। ट्राई करें जरा उल्टाएं और फिर रिकॉर्ड करें, ट्राई करें न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ठीक है जी, मैं आ रहा हूं उधर जल्दी। उधर बैठा करो ताकि नजर आए सही। अच्छा एक तरीका ना ये भी हो सकता है, शायद किसी ने ये किया हो, कि यहाँ पे 17 को काट के 23 लिख दें, लेकिन ये तरीका ना पेपर में हमने लगाना नहीं है, हमने क्या करना है इन सारी गलत फिगर्स को उल्टाने और सही को रिकॉर्ड करना है। ये भी एक तरीका हो सकता है कि यहीं पे काट काट के फिगर्स को सही करें, इसका मतलब होता है सेल से चल रहे हैं हम, सेल से चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। लॉजिकली शायद ये बात सही है, कोई हर्ज भी नहीं इसमें, लेकिन जो नॉर्म चल रही है अकाउंटेंट्स की, उसी नॉर्म के ऊपर बरकरार रहेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट, उल्टाना उल्टाना और रिकॉर्ड करना साथ साथ ही कर लेते हैं। जिस फिगर को उल्टाएंगे उससे रेलिवेंट फिगर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर उल्टाने वाली फिगर से रेलिवेंट फिगर कोई रिकॉर्ड भी करनी हो, इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों ने कितना प्रॉफिट कमाया? 81। अच्छा पहले जरा एक बात की थीम समझ लें,
ईयर एंड कौन सा है हमारा, कोई लिखा हुआ है सवाल में? 31 दिसंबर 15। कंपनी का नाम एक्स कंपनी लिखा हुआ है, कासिम। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस मैं पूरा बना नहीं रहा, सेल से चलते चलते प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 81। अब जो 81 के ऊपर जो टैक्स है ना, इधर देखिएगा, टैक्स एक्सपेंस, इट इज नॉट सो सिंपल कि आप 81 को पकड़ें और पकड़कर टैक्स रेट सवाल में दिया हुआ नहीं दिया हुआ, सवाल में टैक्स रेट डालें नहीं, एज्यूम ना करें, सवाल का हिस्सा बना दें, टैक्स रेट 35%। मिसाल के तौर पे हुकूमत है पाकिस्तान मेरे से 35% टैक्स मांग रही है, टैक्स रेट 35%। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं थिंग्स आर नॉट सो सिंपल कि आप ये जो होते हैं ना टैक्स हुकूमत को देना होता है, इसे कहते हैं करंट टैक्स, इसे कहते हैं करंट टैक्स। कल हम एक और टैक्स यहां डालेंगे डेफर्ड टैक्स, वो कोई और चीज है, फिलहाल करंट टैक्स। ये जो करंट टैक्स है, इट इज नॉट सो सिंपल कि 81 पे 35% लगा दें। अगर आपने 81 पे 35% लगा दिया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप IFRS की जो मैंने किताब दिखाई है उन वाले प्रॉफिट्स पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पाकिस्तान में टैक्स दे रहे होंगे। हालांकि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाली ग्रीन किताब है उसके एंटायरली रूल डिफरेंट हैं, तो ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्रॉस लग जाएगा आपको। इसलिए अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, करंट ईयर का टैक्स वर्किंग के जरिए निकालते हैं। अब मुझे एक वर्किंग की जरूरत महसूस होगी, जिस वर्किंग में जाके मैं इस साल का टैक्स निकालूंगा, उस वर्किंग में मैं शुरू तो 81 से करूंगा लेकिन हो सकता है 100 रुपए पे पहुंचूं, हो सकता है 60 रुपए पे पहुंचूं, वो मेरी किस्मत है कि मेरे कितने प्रॉफिट बनते हैं जिन पे मैंने टैक्स जमा करवाना है। तो पहली बात ये हो गई कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर टैक्स जमा नहीं करवाते। किसी भी कंपनी के इस फिगर पे आप 35% रेट लगा दें तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जाके डाउनलोड करें घर में, तो ये जवाब इसके बराबर नहीं आ रहा होगा कि 81 का प्रॉफिट कमाया है या 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 35% टैक्स है, तो 35 रुपए यहां कभी भी नहीं आ रहा होगा किसी भी कंपनी का, वो मैच कर ही नहीं सकता। द रीजन इज कि इसलिए मैच नहीं कर सकता कि अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक ये प्रॉफिट निकला हुआ है और टैक्स किन रूल्स के मुताबिक निकालना है, टैक्स रूल्स के मुताबिक। बहरहाल हमारा प्रॉफिट कितना था, 81, तो इस 81 को पकड़ के हम सेट करेंगे, उस पर प्रॉफिट नया निकालेंगे, फिर यहां पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग करेंगे एक जिसका नाम होगा करंट टैक्स। जी प्रॉफिट बताएं कितना है, इसको मैं PBT भी कह सकता हूं और अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट भी कह सकता हूं। तो व्हाट इज माय अकाउंटिंग प्रॉफिट, 81। इससे चलते हुए कुछ चीजों को हम ऐड करेंगे और कुछ चीजों को लेस करेंगे और फिर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसपे हमने टैक्स जमा कराने, इस पर हम लगाएंगे 35% और वो जो 35% आएगा वो हमारा P&L के मुंह पे जाएगा, ये वो टैक्स होगा जो हम FPR पे जमा करवा रहे होंगे। तो टैक्स है 35% अभी निकालेंगे। अब पता नहीं 81 से हमारी बस चली है 100 पे पहुंचे, 99 पे पहुंचे, 66 पे पहुंचे, वो हमें नहीं पता, डिपेंड करेगा हमारे और अकाउंटिंग वालों, हमारे और टैक्स वालों में किस किस चीज के ऊपर इख्तलाफ है। हमारे से मुराद IFRS। टैक्स वाले कहेंगे प्रॉफिट तक आते हुए आपने 17 माइनस कर लिया हुआ है, हमारी नजर में आपकी डेप्रिसिएशन 17 नहीं है, ग्रीन किताब के मुताबिक आपकी डेप्रिसिएशन जो है 23 रुपए है। तो अब टैक्स वाले कहेंगे आपको 17 की बजाय 23 माइनस करना चाहिए था। अब मैं चाह रहा हूं कि 17 को उल्टा दूं, 17 को उल्टाने के लिए 17 को अगर मैं माइनस कर दूं, ये तो फिर पहले ही माइनस हो चुका है 81 तक, तो डबल माइनस हो जाएगा। तो 17 को 81 तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके हैं, तो इसको उल्टाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर इसे मैं माइनस करूंगा उल्टाते हुए तो वो तो डबल माइनस हो जाएगा। तो 17 का नाम मैंने रखा है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन या अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन, अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटेंजिबल्स है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टाएं कितने से, 17 से। इसकी जगह अब जो 17 माइनस हुआ हुआ था, 17 माइनस हुआ हुआ था, अब देखे ना, अब मैं क्या कह सकता हूं कि जब मैं 81 में 17 ऐड कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स 17 से पाक हो जाएंगे,
ऊपर नीचे से कट गया ना, अब मेरे प्रॉफिट 17 से पाक हो गया, अब इसमें डेप्रिसिएशन का कोई इंपैक्ट नहीं है। अब अगर डेप्रिसिएशन का इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि 81 में मैंने 17 को ऐड कर दिया, ऊपर माइनस हुआ था, 17 माइनस और पॉजिटिव कट जाएगा इस वजह से। अब मुझे बता दें क्या मेरे प्रॉफिट्स ऐसे हैं कि इनमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई भी? जी बिल्कुल, ये मेरे वो प्रॉफिट्स हैं जिनमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई भी। अगर मैं दोनों को जमा कर लूं तो इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई भी, हुई भी को हमने क्या कर दिया था, उल्टा दिया था। अब नहीं रिकॉर्ड हुई तो टैक्स वाले चाह रहे हैं कि हम डेप्रिसिएशन माइनस करें। अब डेप्रिसिएशन जब टैक्स वाले माइनस करने देंगे तो कोई जरा बंदा सोच के एक बात बताए कि खर्चे रिकॉर्ड के साइन के साथ करना बेहतर है माइनस साइन के साथ, और खर्चा उल्टाना प्लस साइन के साथ, और खर्चा रिकॉर्ड करना माइनस साइन के साथ। तो माइनस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन 23, तो खर्चे उल्टाएंगे किस साइन के साथ, ऐड करके, और खर्चे रिकॉर्ड के साइन के साथ करेंगे माइनस करके। वन बाय वन चलें, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस बिल्डिंग का क्या हो चुका है, माइनस। लॉस की नेचर क्या है, खर्चा। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए खर्चा माइनस हो चुके, टैक्स वाले कहेंगे इस खर्चे को उल्टाओ। खर्चों को किस साइन के साथ उल्टाएं, अकाउंटिंग वालों का लॉस किस पर, ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। इसको उल्टाकर हमारी तो जान निकल गई, जान इसलिए हमारी निकली कि ऐड वाली चीजें बढ़ी हैं, प्रॉफिट पता नहीं कहां पहुंच जाने। तो हमने कहा यार इसकी जगह कुछ तो माइनस करने दो कि कोई कोई खुदा कॉफी करो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप इसके बिल मुकाबले क्या माइनस कर लें, टैक्स वालों का लॉस कितना, 16। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा दें और टैक्स वालों का लॉस माइनस। अच्छा, लॉस खर्चा है या इनकम है? खर्चे रिकॉर्ड के साइन के साथ होते हैं, माइनस साइन के साथ, इसलिए इसको लेस कर दें। अब टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग 16। किधर गए थे, पानी पीने। अच्छा जी, नेक्स्ट अगला सवाल, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने क्या अंदाजा लगाया था कितने लोग शायद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के जरिए पैसे लेके भाग जाएं, 21। एक्चुअली कितने लोग पैसे लेके भागे, ये बैड डेट खर्चा है, हाँ माइनस हुआ है इसलिए खर्चा है। खर्चों को उल्टाएं कैसे, ऐड करके, और इस खर्चे को, ये जेन्युइन खर्चा है, ये जेन्युइन खर्चा पता है क्यों है, इस किताब के मुताबिक, इस किताब के मुताबिक ये जेन्युइन खर्चा है, और इस किताब के मुताबिक ये जाली और दो नंबर खर्चा है। हालांकि इस किताब वाले को गुस्सा चढ़ रहा है कि मेरे वाले 21 को तुम जाली कह रहे हो, लेकिन 21 रुपए के खर्चे को यह किताब कहेगी जाली खर्चा, और जीम आइन वाला यह किताब कहेगी जाली खर्चा ग्रीन वाली, और ग्रीन वाली किताब 11 रुपए के खर्चे को कहेगी असली खर्चा, प्योर ताजा खालिस खर्चा। खर्चों को उल्टाएं कैसे, लेस करके। खर्चों को उल्टाएं कैसे, बैड डेट एक्सपेंस का लफ्ज आपने लिखा करने, इधर बैड डेट एक्सपेंस, इसको उल, इसकी जगह क्या माइनस करें, एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ। इसके लिए आपने एक लफ्ज यूज करना है जो मैं आपको आज बताने लगा हूं, बैड डेट रिटर्न ऑफ, यानी एक्चुअली जो लोग पैसा लेके भागे, बैड डेट रिटर्न ऑफ। जी या तो मैंने आपकी आसानी के लिए सिर्फ ऐसी चीजें उठाई थी जिनमें सिर्फ खर्चा आ रहा था, इनकम नहीं आ रही थी, ताकि ये बात आपको समझ आ जाए। तीनों में कॉमन चीज देख लें, अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टाया है, टैक्स वालों का खर्चा माइनस किया है, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाया है, टैक्स वालों का लॉस माइनस किया है, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टाया है, टैक्स वालों का बैड डेट माइनस किया है। तीनों में एक रिदम चल रहा है, एड और लेस हो रही है। लेकिन जब बात इनकम्स की साइड पर आ जाएगी, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, डिप्रिसिएशन, लॉस, बैड डेट, ये तीनों तो खर्चे हैं, लेकिन ये बात जब इनकम्स की साइड पे चली जाएगी तो शायद एड लेस में आपको सोचना पड़े। अच्छा, एक चीज मोहतरम अगली है, पेनल्टी टू गवर्नमेंट। पेनल्टी टू गवर्नमेंट के बारे में टैक्स वाले कहते हैं आप कौन होते हो माइनस करने वाले, इट इज नॉट अलाउड एज खर्चा। तो मुझे खर्चे के तौर पे माइनस करना चाहिए था, कर लिया है, क्या करूं, उल्टा दूं। लेकिन इसकी जगह कुछ माइनस नहीं करने देंगे टैक्स वाले कि जरा पेनल्टी 22 रुपए नहीं, चलो 2-3 रुपए माइनस कर लो, पेनल्टी पेनल्टी है, वो टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। तो पेनल्टी टू गवर्नमेंट जी कितनी,
बस इसके बिलमुकाबिल टैक्स वाले आपको कुछ माइनस नहीं करने देंगे। तो ये एक अजीब सी चीज आई जो रिदम से हटके आई। नेक्स्ट, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने गेन ऐड कर लिया है, गेन्स को कैसे उल्टाएं लेस करके। ये किताब कहेगी सबज वाली कि भाईजन ये गेन तो जाली गेन है, दो नंबर गेन है, फेक गेन है, इस गेन को हम नहीं मानते, ये स्ट्रेट लाइन वाली डब्ल्यू डी वेज वाला है मिसाल के तौर पे। तो गेन को कैसे उल्टाएं, आपको फील हो रहा है इस 81 में ये 4B पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ी हुई चीज को तो निकाला जाता है, तो क्या करें, लेस करें। क्या नाम लिखे, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लफ्ज सब ऊपर इधर आ रहा था लेकिन अब तो इनकम आ रही है तो नीचे आ रहा है, अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर। उल्टा ने, उल्टा ने, कोई रिकॉर्ड करने वाली फिगर तो नहीं बोल रहा था, उल्टा ने, पहले उल्टाना है, आपने गलत फिगर को फिर रिकॉर्ड करना है जी। आप बता दें टैक्स वालों का गेन कितना आया, 6। इसको क्या करना है, कोई अच्छा बच्चा बता सकते हैं कि गेन रिकॉर्ड किस साइन के साथ हो सकते हैं, ऐड के साथ, गेन रिकॉर्ड ऐड के साथ हो सकते हैं। टैक्स वालों का ऑन डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, जगह खत्म हो गई, लग रहा है सवाल भी खत्म हो जाएगा, कितना, 6। इसमें एडलेस आप साथ साथ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एड के लिए ऊपर जगह रखें और लेस के नीचे जगह रखें, एडलेस आप साथ साथ भी कर सकते हैं। एंड इन द एंड एग्रीकल्चर इनकम पर हुकूमत वालों ने हमें खुश खबरी सुनाई है, हमारे 81 में ये 12 पड़ा है तो पड़े हुए को निकाल दें। बताएं पड़ी हुई चीज को निकाला कैसे जा सकता है, माइनस करके। इनकम्स को उल्टाना कैसे है, लेस करके। तो ये अकाउंटिंग वालों की नजर में इनकम है, टैक्स वाले इतने अहम दिल हैं कहते हैं इसको इनकम बनाओ ही ना। तो बता दें क्या उल्टाऊं, इसकी जगह कुछ और रिकॉर्ड करूं, इसकी जगह कुछ और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, उल्टाएं। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं टोटल मारूं तो अब हम कहां पहुंचे, अब हमारा दिल धक 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 कर रहा होगा, किस बात पे, कि मेरा प्रॉफिट 81 से शूट अप करके कहां चला गया है, 100 पे। लेकिन मैं इधर IFRS के रूल्स वाला 81 लिखूंगा, इस 81 को मैं नहीं बदल सकता क्योंकि मेरे P&L में प्रॉफिट कितना है, 81। वर्किंग करके ये अकाउंटिंग वालों की नजर में प्रॉफिट है, ये वो जो मैंने आपको चिट्टी और लाल किताब दिखाई है तस्वीर में, ये उसके मुताबिक प्रॉफिट है, और ये सबज वाली किताब के मुताबिक प्रॉफिट है। तो टैक्स किस पे देंगे FBR को, 100 रुपए पे, 81 पे, 100 रुपए पे नहीं, हर दफा 100 रुपए नहीं आया करेगा, टैक्सेबल प्रॉफिट पे। तो टैक्स किस पे दिया करेंगे हम, टैक्स वालों को, टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगाएं इस पे 35%। क्या लेटर के बगैर जरा ट्राई करें, 35 आ रहे हैं, जबरदस्त। ये वाला 3, ये सीधे नंडे वाला 35, अच्छा मैंने नहीं पूछा अभी, अच्छा तो ये क्या आ गया, 35। आप बता दें 81 पे जरा 35% लगाएं, 81 पे 35%, वो क्यों नहीं आ रहा 81 का 35%, बोले 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 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 81 पे अगर मैं 35% लगाना चाहता हूं ये तो अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट वाला टैक्स है, और मुझे कौन सा वाला टैक्स चाहिए, टैक्स वालों का, मुझे कौन सा वाला चाहिए। अच्छा भाईजान अब ये एक बात सुन लें, अगली क्लास की बेस बनाने लगा हूं, ये जो अब एक डिफरेंस आ रहा है ना, इसे टैक्स वालों ने कोई नाम नहीं रखा, टैक्स वालों ने कहा मुझे 35 रुपए दो और छुट्टी करो जाओ भागो, अकाउंटेंट सब सर जोड़ के बैठ गए, अकाउंटेंट सर जोड़ के बैठ गए, अकाउंटेंट्स ने कहा ये तो ब्लंडर हो गया, ऊपर पड़े 81, इसका 35% तो 35 रुपए नहीं बनता, तो अकाउंटेंट्स के लोगों में आके सर, अकाउंटेंट्स के सरों में आके लोगों ने डंडे मारने शुरू कर दिए, और भाईजन तुम लोग बड़े लगे होते हो मैचिंग मैचिंग मैचिंग, तो इधर कौन सी मैचिंग हो रही है, कमीज और कलर की है, आपके जो है वो ट्राउजर और कलर का है, बूट और कलर का है, आपका पर्स और कलर का, ये क्या हो रहा है, तो आप लोगों ने लुट बचाई भी है, मैचिंग मैचिंग मैचिंग, तो ये कौन सी मैचिंग है। तो इसको इसको कैटर करने के लिए हम IS 12 में डेफर्ड टैक्स एक चीज डालेंगे, और ये इतना बड़ा एतराज था लोगों का अकाउंटेंट्स के ऊपर कि IS 16 जो PPE है, हालांकि वो सिंपल सा स्टैंडर्ड है प्लांट मशीनरी का, उससे पहले ये स्टैंडर्ड बन गया था IS 12, इतना बड़ा एतराज अकाउंटेंट्स के ऊपर लोगों ने किया था कि भाई जान आप ऊपर से कह रहे हो मैचिंग, यहां मैचिंग वॉलेट और ये आपकी सारी, और एक चीज कोई हम डेफर टैक्स वगैरह इधर डालेंगे, और इन द एंड जो यहां जवाब आया करेगा वो इसके 35% के बराबर आ जाया करेगा।
वो एक साइंस मारनी है हमने अगली क्लास के अंदर। लेकिन ये सारी डिस्कशन अकाउंटिंग की क्लास की है, ये टैक्स की क्लास की डिस्कशन नहीं है। टैक्स में आपने जितना भी पढ़ा था वो यहां पे खत्म हो गया, बस ये टैक्स के अंदर जो है वो पढ़ा जाता है बिजनेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। अब जितनी बातें हमारी आगे होनी है वो अकाउंटिंग की बातें होनी है, अब टैक्स की बातें खत्म है। तो बहरहाल ये बात अभी आपको ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसलिए कि मैंने इस बात को फिगर्स के बगैर समझाने की कोशिश की है। फिगर जब डालेंगे अगली क्लास में तब समझ आएगी। फिलहाल मैचिंग वॉलेट हो रही है, छोड़े परे, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और उसके ऊपर ये मेरा टैक्स है। तो एक मसला सुन लें जो अकाउंटेंट्स ने हाईलाइट किया कि हम कमा रहे होते हैं 81 और टैक्स दे रहे होते हैं 100 पे। तो ये एक मिसमैचिंग सी है, जिसको हम मिसमैचिंग को मैच करने के लिए कोई एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे डेफर्ड टैक्स। ओके, सो टेल मी द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल। अच्छा पहले कैमरा वहां करो, और ये मेरा सॉल्यूशन मुकम्मल हो गया, यहां तक आप लोग नोट कर लें जिस इसने नोट करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है या प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स हैं? एक्सट्रैक्ट्स है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। ये वर्किंग अकाउंट्स में शो नहीं होती, ये वर्किंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, नहीं नोट्स में भी नहीं होती है। और आप देख रहे हैं ये बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि 81 पे 35% लगा के तो 35 नहीं आ रहा, तो फिर 35 क्या है? इस पे लोगों ने एतराज किया जिसकी वजह से 12 बना। अकाउंटेंट्स ने एक और टैक्स डिराइव किया जिसका नाम रखा डेफर्ड टैक्स। वो जो टैक्स है ना, टैक्स होगा उसका हम नाम देंगे अकाउंटिंग मैयर, उसका एफबीआर से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन नाम उसका टैक्स ही रखेंगे हम टू रिमूव मिसमैचिंग। ओके आ जाओ, चलें जी रिवाइज करवाएं। हम वर्किंग कहां से शुरू किया करेंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट से, जिसका नाम पीबीटी होगा, जैसे 81। अब आप मुझे बताते हैं डेप्रिसिएशन के साथ क्या सलूक करना है, सोचे रहे फिर मैं लिखता रहता हूं। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन खर्चा होने की वजह से माइनस हो चुकी होगी, तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें। इसकी जगह क्या करें? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अगली बात बताएं, अकाउंटिंग वालों ने अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उस पर आया होगा लॉस, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 81 के प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लॉस क्या हो चुका होगा? माइनस। लॉस को क्या कर दें? किस नाम से? अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड कर दें, माइनस हुआ है। इसकी जगह क्या माइनस कर दें? टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। अकाउंटिंग वालों के बैड डेट क्या हुए होंगे? लेस। इनको हम नाम देंगे बैड डेट एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों के बैड डेट को क्या नाम देंगे? बैड डेट एक्सपेंस। ये क्या हो चुके होंगे? माइनस। इनको क्या कर दें? इसकी जगह क्या माइनस कर दें? बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस कर दें। ये बात हो गई, तीनों रिदमिक रिदम में चल रही थी क्योंकि तीनों के तीनों थे खर्चे। अब मुझे इनकम की बात बताएं, इनकम की बात बताएं। अकाउंटिंग वालों की इनकम प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो गई होगी? ऐड। अकाउंटिंग वालों की इनकम को क्या कर दें? अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल, इसको क्या कर दें? लेस कर दें। इसकी जगह क्या ऐड कर दें? टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। ये जो चारों चीजें हैं ना, इनके बिल मुकाबले कोई ना कोई चीज आ रही है। अब मैं आपको दो चीजें ऐसी बताने लगा हूं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और ये एक दूसरे के मुकाबले में नहीं है, दोनों की नेचर ही फर्क है। पहली चीज, अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस कर दिया पेनल्टी। टैक्स वाले कह रहे हैं ये पेनल्टी तो माइनस ना करो और इसकी जगह कुछ भी माइनस ना करो। तो इसमें आपको दो चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, इसमें एक ही चीज नजर आएगी। क्या? पेनल्टी को क्या कर दें? ऐड कर दें। डन। अगली बात, आपने कमाई एग्रीकल्चर इनकम और हुकूमत ने खुश होकर कहा हम एग्रीकल्चर इनकम पे आपसे टैक्स नहीं लेते। तो आपने जब एग्रीकल्चर इनकम कमाई, हुकूमत ने कहा इस पे टैक्स माफ, तो इनकम माइनस कर दे, बदले में कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी और इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो पेनल्टी अलग बात है, इनकम अलग बात है। तो एग्रीकल्चर इनकम को लेस कर दें, इसके बदले में क्या ऐड करें? कुछ भी नहीं। तो इनको मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं। क्या?
एग्रीकल्चर इनकम लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। इस सारे प्रोसेस से गुजर के जो जवाब आएगा इसको क्या कहेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट पे जब रेट लगेगा टैक्स का तो इसे क्या कहेंगे, करंट टैक्स। इसे क्या कहेंगे, करंट टैक्स। ओके, इनकम और डिडक्शंस में क्या फर्क है, इनकम है सेल, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये इनकम्स हैं। और डिडक्शंस क्या हैं, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इनकम्स दो तरह की हैं, किधर गई किताब, इस किताब की नजर में इनकम्स दो तरह की हैं और खर्चे दो तरह के हैं। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो, और कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो एग्जेम्प्ट की मिसाल। डिडक्शंस दो तरह की हैं, एक वो होंगी जो माइनस करने की इजाजत है और एक वो होंगी जो खर्चे माइनस करने की इजाजत, जो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है उसकी कोई मिसाल फाइन या पेनल्टी, और एग्जेम्प्ट इनकम की मिसाल एग्रीकल्चर। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक नोट कर लें। एज पर टैक्स लॉ इनकम्स भी हो सकती हैं और डिडक्शंस भी हो सकती हैं। कुछ इनकम्स टैक्सेबल होंगी, कुछ इनकम्स माफ होंगी, कुछ इनकम्स अलाउड होंगी, कुछ नॉट अलाउड होंगी। इख्तलाफात की इंग्लिश क्या होती है, डिफरेंसेस। इख्तलाफात की इंग्लिश क्या होती है, डिफरेंस। पहले यहां तक नोट करें, फिर अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है और सही धूम धमके से आ रहा है। भंगड़ा ना करो, सीए करो अभी, तो बाद में भी एथिक्स का चैप्टर पढ़ लेना, ना ही करना। ओके, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर नहीं, प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, अच्छा जी, हमारे और टैक्स वालों में डिफरेंसेस आ सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, डिफरेंसेस जो लोगों के आते हैं आपस में, क्या ये ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हल हो सकते हैं या ऐसे भी होते हैं जो हल नहीं हो सकते? दोनों किस्म के होते हैं। कुछ डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेरी, लड़ लुड़ के हल हो जाते हैं। कुछ डिफरेंसेज होते हैं परमानेंट, जो कभी भी हल नहीं हो सकते। तो बता दें, डिफरेंसेज जिंदगी में कितने किस्म के आ सकते हैं दोस्त के साथ? दो किस्म के डिफरेंसेज। नंबर वन, आरजी, सुबह नाराज है, शाम को राजी हो गया, अगले दिन फिर सुबह नाराज हुआ है, फिर शाम को राजी हो गया। तो ये कौन से डिफरेंसेस होंगे, टेम्परेरी। और परमानेंट डिफरेंस क्या होंगे, वो तुर्की चला गया, आप जापान चले गए और आपने कहा मरने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो ये कौन से डिफरेंसेस हैं, बोले 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 परमानेंट डिफरेंसेस। तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों के अंदर भी दो किस्म के इख्तलाफ हैं, दो किस्म के इख्तलाफात हैं। एक कौन से हैं, अब मैं बताऊंगा, एक कौन से हैं टेम्परेरी और दूसरे कौन से हैं परमानेंट। अच्छा जी, नंबर वन, डेप्रिसिएशन। आप किधर चली गई हैं, डेप्रिसिएशन जज्बाती होगी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि 50% पे डेप्रिशिएट करो, स्ट्रेट लाइन। और टैक्स वाले कहते हैं नहीं, 25% पे डेप्रिशिएट करो, स्ट्रेट लाइन। ये डिफरेंसेस अकाउंटिंग वालों में और टैक्स वालों में परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं? टेम्परेरी हैं। एक्सलेंट, क्यों? आपने 100 रुपए का एसेट खरीदा, अकाउंटिंग वाले पहले साल 50 रुपए डेप्रिशिएट करेंगे, दूसरे साल 50 रुपए, दूसरे साल के एंड पे बीवी जीरो हो जाएगी, डन। टैक्स वालों की भी बीवी जीरो होनी है, लेकिन कब? एक्सलेंट, 4 साल बाद टैक्स वालों की बीवी भी क्या हो गई? अगर मैं चौथे साल के एंड पे खड़ा हूं तो दोनों की बीवी, व्हाट डज इट मीन, कि ये इख्तलाफ मौजूद रहा या चौथे साल के एंड पे खत्म हो गया? पहले साल के एंड पे ये इख्तलाफ था, ये कह रहा था मेरी बीवी 50, ये कह रहा था मेरी बीवी 75, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, स्लीपर पर टेक माय वर्ड्स बैक। अच्छा, तो बात समझाने की ये है कि दूसरे साल के एंड पे खड़े होके भी ये इख्तलाफ मौजूद था, बिकॉज इसकी बीवी मौजूद थी 15, यस, बट वो किस पे, कितने में रह गई, 25, और इन द एंड दोनों की बीवीज, आप बता दें, मार गई नहीं भाई, प्लीज प्लीज, बीवी से मुराद
पूरे सेशन में मेरी बुक वैल्यू है, ठीक है। आज मैं बर्मला स्टेटमेंट दे रहा हूँ सबके सामने। बता दीजिए, ये जो इख्तलाफ पैदा हुआ है अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? तो डेप्रिसिएशन की वजह से अगर कोई इख्तलाफ आया करेगा तो उसे हम कहा करेंगे टेम्परेरी, उसे हम क्या कहा करेंगे? टेम्परेरी। अच्छा, दूसरी बात, पेनल्टी। पेनल्टी अकाउंटिंग वालों ने कहा कि 500 रुपए की पेनल्टी है, सारी की सारी माइनस कर लो। टैक्स वालों ने कहा हम माइनस नहीं करने देंगे, हम माइनस नहीं करने देंगे, हम खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों ने कितना डाला खर्चे में? 500 रुपए। अकाउंटिंग वालों का एक्सपेंस, डेप्रिशिएट तो नहीं करना ना इसको, अकाउंटिंग वालों का एक्सपेंस 500, टैक्स वालों का एक्सपेंस, अच्छा इधर मुझे बताएं, अकाउंटिंग वालों का एक्सपेंस 100, टैक्स वालों का एक्सपेंस 100, अकाउंटिंग वालों का भी एक्सपेंस 100, टैक्स वालों का एक्सपेंस 100 का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग वाले जितना डेप्रिशिएट कर रहे हैं उतना ही टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इख्तलाफ किस पे है? आरजी इख्तलाफ है कि अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं जरा छेती छेती डेप्रिशिएट करो, टैक्स वाले कह रहे हैं जरा होली होली डेप्रिशिएट करो। तो ये अकाउंटिंग वालों और टैक्स वालों में क्या हो गया? इख्तलाफ हो गया। लेकिन ये इख्तलाफ परमानेंट था, आरजी था, आरजी था। लेकिन पेनल्टी वाला इख्तलाफ बताएं क्या है? परमानेंट क्यों है? अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला, टैक्स वाले इस साल और अगले सारे सालों में मिला कितनी पेनल्टी खर्चे में डाल देंगे? कितनी? लुट, जीरो खर्चे में डालेंगे। इसलिए ये फर्क क्या हो गया? परमानेंट। मैंने परमानेंट डिफरेंस को जानबूझ के वर्किंग में रेड साइन के साथ शो किया था, मैंने परमानेंट डिफरेंसेस को जानबूझ के रेड साइन के साथ शो किया था। एक और परमानेंट डिफरेंस जो आपके सिलेबस में है वो तीसरा तीसरा तीसरा। अच्छा ये डिसाइड क्या हुआ, ये कौन सा डिफरेंस है? क्या ये लड़ाई कभी खत्म हो सकती है? अकाउंटिंग वालों ने 500 खर्चे में डाल दिया, टैक्स वाले कभी भी जिंदगी में खर्चे में डालेंगे 500? ओके आगे चलें जी। अगला यार ये पेनल्टी वैसे गलत लफ्ज है, लफ्ज होना चाहिए था डिडक्शन नॉट अलाउड। लफ्ज क्या होना चाहिए था? डिडक्शन नॉट अलाउड। जो खर्चा टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे वो कभी भी नहीं करने देंगे, हम अकाउंटिंग वाले कर रहे होंगे वो नहीं करने देंगे। तो ये कौन सा डिफरेंस हो जाएगा? परमानेंट डिफरेंस। आगे चलें, एग्जेम्प्ट इनकम। बताएं बताएं बताएं, एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट इनकम। अच्छा जी अकाउंटिंग वाले कितना डालेंगे इनकम में? मिसाल के तौर पे 100 रुपए। टैक्स वाले इस साल या अगले सारे सालों में मिला के कितना डालेंगे इनकम में? 0। आप बता दें ये डिफरेंस भी क्या हो गया? परमानेंट डिफरेंस। ये ऐसी लड़ाई है जो जद्दी पुश्ती लड़ाई है, कभी खत्म नहीं हो सकती। आप बता दें दो परमानेंट डिफरेंसेस जो हमारे सिलेबस में है, डिडक्शंस नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम, ये परमानेंट डिफरेंसेस हैं। ये कौन से डिफरेंसेस हैं? परमानेंट डिफरेंसेस हैं। इधर 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 समझ आ गई? समझ आ गई? ये दोनों क्या हैं? परमानेंट डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से परमानेंट डिफरेंस हैं? मैं उधर आने उधर आता हूं अभी, कोई नहीं खुला टाइम है, मैं उधर आता हूं अभी। जो खर्चा कभी भी माइनस नहीं हो सकता टैक्स लॉ की नजर में, तो हमने तो माइनस किया होगा ना अकाउंटिंग वालों ने, तो वो एक परमानेंट डिफरेंस हो जाएगा। जो इनकम टैक्स लॉ वाले कभी भी इनकम में नहीं डालेंगे, हम तो डाल चुके होंगे ना इनकम में, तो इसलिए ये हमारे और टैक्स वालों में कौन सा डिफरेंस है? अच्छा जो डेप्रिसिएशन टैक्स वाले अलाउ करेंगे 4 सालों में वो हम 2 सालों में अलाउ कर देंगे, ये कौन सा डिफरेंस है? टेम्परेरी डिफरेंस है। और जो फाइन अकाउंटिंग वाले कभी भी माइनस नहीं, सॉरी टैक्स वाले कभी भी माइनस नहीं करने देंगे, हम तो माइनस कर चुके होंगे ना। चलें जी एक दो मिनट ले लें, पहले दो, पहला टेम्परेरी डिफरेंस है और दूसरे दोनों परमानेंट डिफरेंस है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स की किताब में नहीं पढ़ा था कहीं। हर वो खर्चा जो माइनस नहीं हो सकता टैक्स वालों की नजर में, वो अकाउंटिंग वालों की नजर में माइनस हो चुका है, इसलिए वो परमानेंट डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को रिमूव कराने के लिए अगर आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान और सबको भी लाके बिठा दें तो ये इख्तलाफ जद्दी पुश्ती इख्तलाफ है, ये नस्लों का इख्तलाफ है, ये नहीं खत्म हो सकता। भुट्टो तो जा चुके ना, आप कराची से हो, सिंध से हो, तकरीर सुनी है कभी भुट्टो की?
अच्छा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचें अगर आपके साथ साल वजीर आजम बन जाए। अच्छा वो साथ वाला खुद ही खुश हो रहा है, सही बात है। ताजन बहुत स्लो स्पीड आ रही है आज, चेती करो। ये अपनी स्पीड की करा रही है ना घर में, इसको रिफ्रेश करके आया करें। भाईजन ये क्लोजिंग बीवी है, ये भी क्लोजिंग बीवी है, दोनों की क्लोजिंग बीवी। ऑफिस को मंडे को मिलेगा। अच्छा जी टेस्ट तो वैसे ले आए और फिर चेक करके ले आए, वेबसाइट पर सोल्यूशन भी अपलोड हो गया। अच्छा वो तो किताब के ही थे दोनों सवाल। चलें जी FR1 की रिवीजन करें, ये आपने नोट नहीं करना। ब्रॉड डाउन कॉस्ट 100 रुपए, एडिशंस 50 रुपए, डिस्पोजल 30 रुपए, कैरी डाउन 120। अच्छा अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रॉड डाउन 12 रुपए, डेप्रिसिएशन 32 रुपए, डिस्पोजल। भाई जी ये डिस्पोजल की कॉस्ट होती है, ये अकामोडेशन होती है, ये फिगर हमेशा कम होगी इससे। तो ये मिसाल के तौर पे 14 रुपए, कैरी डाउन 30। अब अगर मैं इसी अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? एसेट अकाउंट अगर मैं बुक वैल्यू पे बनाना चाहूं, ये तो किस पे था? कॉस्ट पे था। तो कैलकुलेटर के बगैर जरा बता सकते हैं ब्रॉड डाउन कितने? 100 - 12 = 88। एडिशन तो कॉस्ट पे ही आती है, इस अकाउंट में भी याद रखिएगा एडिशन कॉस्ट पे ही आती है। कितनी? 50। डेप्रिसिएशन आएगी इसमें पूरी 32, ये डेप्रिसिएशन 32। लेकिन भाईजान इसमें क्योंकि ब्रॉड डाउन बीवी आई है ना, तो फिर डिस्पोजल की भी बीवी आएगी, क्योंकि इसमें ब्रॉड डाउन बीवी है, डिस्पोजल की भी बीवी आएगी और कैरी डाउन की भी बीवी आएगी, तो इसमें 3 बीवियां आया करेंगी। डिस्पोजल की बीवी बताएं, डिस्पोजल की कॉस्ट 30 और कम रिडक्शन 14, बीवी 16। अच्छा जी कैरी डाउन बैलेंसिंग 90 और ये 90 बराबर है इस 120 माइनस 30 के, ये 90 बराबर है। तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे भी बन सकता है और कम रिडक्शन अकाउंट फिर अलग बनाना पड़ेगा, या एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे भी बन सकता है। अब एक अकाउंट बना दें यहां पर डिस्पोजल का, डिस्पोजल का कॉस्ट बोलें 30 वो ऊपर से आ रही है ये वाली, अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन 14 ये वाली, कैश मिसाल के तौर पे एसेट को भी। अच्छा मुझे इस वक्त बताएं एसेट की बीवी कितनी है? 16 वाला एसेट 18 का बिका, 16 वाला एसेट 18 का बिका, तो गेन आ गया, गेन आ गया, गेन किधर आएगा? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, तो P&L क्रेडिट, तो गेन इधर आ गया कितना? 2 रुपए का। क्या आपको पता है डिस्पोजल अकाउंट भी बुक वैल्यू पे बन सकता है? डिस्पोजल अकाउंट भी बुक वैल्यू पे बन सकता है, कैसे? इधर कॉस्ट होगी या बीवी आएगी? वो यही वाली बीवी आएगी, यही वाली बीवी 16, कैश कितना? 18, 16 वाली चीज 18 में बिकी, दो की खुशी, खुशा खुशी, दो की खुशी, क्लियर। तो अब आप हजरात ऐसा करें कि एहतियातन, सिर्फ एहतियात के दर्जे में इसको आप जाकर नोट कर लें यहां पे, ताकि आपको ज्यादा जहमत ना करनी पड़े। और किधर रह गया रे ये, ये यहाँ पेज 544, बीडी कितना था? हाँ हाँ अभी हमारे क्वेश्चन में 100, अब भूल गया होगा, एडिशन कितनी थी? 50, डिस्पोजल कैरी डाउन 120, ये ब्रॉड डाउन कितना था? 12, डेप्रिसिएशन 32, डिस्पोजल 14, कैरी डाउन
30 था, अच्छा इसकी कॉस्ट कितनी थी 30, अकाउंट एप्शन 14 और कैश 18 और प्रॉफिट एंड लॉस 2 का आ रहा था, ठीक है जी। और इसी तरह नीचे वाला भी आप पूरा कर लें। ऐसी ऐसा कॉन्सेप्ट कोई इधर नहीं है, बबलू कहां जा रहे हो? अच्छा कोई एक दो ऐसे वाकयात सुनाएं जिससे लोग मोटिवेट हो जाएं कि मेरे कजन की शादी थी, मैंने वो छोड़ दी क्लासों के लिए, मैंने जो है फलां जगह जाना था लेकिन मैं नहीं गया, मुझे दोस्तों ने ये कहा मैंने नहीं किया। कोई एक दो ऐसा मोटिवेशनल वाक्य सुनाएं कि सारे जरा इंप्रेस हो जाएं, हाथ खड़ा करके। जी हाँ जी खड़े हो जाएं। अच्छा तो घर के अंदर भाई फरमा रहे मेहमान आए हुए थे और मैं बैठ के पढ़ा था। जी और कल कजन की शादी है, खड़े हो जाओ। कहाँ पे, किस शहर में? सरगोधा में। और कल शादी है, कल शादी है परसों वली में। तो अब आपने क्या प्लान किया, किस तरह आप जा ही नहीं रहे? एक्सलेंट, बैठ जाएं। जी आगे आगे और कोई ऐसा हिस्टोरिकल वाक्या? हाँ जी, ईद पे घर नहीं गए। ओ हो, खड़े हो जाएं। कौन सा शहर, कौन सा है? हाँ बलूचिस्तान में कौन सा इलाका? मकरान। जी और जी और ईद पे घर नहीं गए जी, कोई बात नहीं। जी भाई जान आप कोई वाक्य सुनाने लगे, सारे मोटिवेट हो जाएं, डीमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा जी तो लेट्स कंप्लीट द बीवी एज वेल, ये बताएं जल्दी। 88 इसके साथ लिख लें, कॉस्ट एडिशन कॉस्ट पे आती है, और डेप्रिसिएशन 32। ये वाला 16 इधर आता है, जी हाँ जी। ओके आज की लास्ट चीज और आसान सी चीज, पेज 541। लेसी का पी एंड एल, किसी को याद हो? हाँ जी क्या क्या आता है लेसी के पी एंड एल में, क्या क्या आता है? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन जिसे कह सकते हैं आप, और इंटरेस्ट एक्सपेंस। लेसी के पी एंड एल में क्या आता है? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और किस किताब के मुताबिक? आईएफआरएस के मुताबिक, ठीक है जी, आईएफआरएस 16 के मुताबिक। लेसी के पी एंड एल में टैक्स लॉ के मुताबिक क्या आएगा? टैक्स वाले कहते हैं ये आपका राइट ऑफ यूज एसेट नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं आप पी एंड एल में डालो रेंट एक्सपेंस, आप पी एंड एल में डालो। हमने कहा ये तो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू, कहता है चुप, पता नहीं तुम्हारी कौन कौन सी रीजन है, चुप कर जाओ बस, बोला ना करो, तुम बस पी एंड एल में रेंट एक्सपेंस डालो। हमने कहा ये कौन सी फिगर? कहते हैं वो जो इंस्टॉलमेंट के कॉलम वाली फिगर होती है, बस जो तुम्हारी इंस्टॉलमेंट है वही तुम्हारा रेंट है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 28 हमने पढ़ा था कि रेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। बहरहाल छोड़े, पर टैक्स पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ लीव इट। अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं? अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो और
इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो। टैक्स वाले कहते हैं ना 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 जिगर पुत्र, ये तेरा एसेट नहीं है, ये जो तुम किस्तें पे कर रहे हो ना, बस ये किस्त ही तुम्हारा रेंट है, ये किस्त ही तुम्हारा रेंट है। डन, क्लियर, ओके। पहले मैं आपको ये हल्का सा लीज रिवाइज करा दूं, कल लेटर्स बस हाथों में पकड़े। अच्छा जी, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कितने है? 200 मिलियन। किस साल? हर साल। कई साल होंगे उस सवाल में, हर साल प्रॉफिट 200 मिलियन है, अजीब सी बात है। टैक्स रेट कितने है? 30%। एनुअल लीज रेंटल कितने हैं? कितने साल तक पे करने हैं? 3 साल तक। इम्प्लिसिट रेट कितने हैं? लेसी इम्प्लिसिट रेट यूज करते हैं, अनलेस के लेसी को इम्प्लिसिट रेट लेसर का पता ना हो। लीज किस दिन शुरू हो रही है? ये कम जनवरी, तो ऊपर मैंने लिखा हुआ ये लेसी का सवाल है, तो ये ना पूछेगा कैसे पता चला लेसी का सवाल है, तो ये लेसी का सवाल है। तो कहां से शुरू होगा? एलपी और पीवी ऑफ एलपी। जी बोलें, सिर्फ स्क्रीन पे देखें, 100 रुपए कितनी किस्तें, जवाब क्या आया? 300। 100 को कैलकुलेटर पे पीवी निकाल लें, छोड़ने पर आ जाएगी 249, 10% पे 249 आ गई, 249 को पकड़ा और पकड़ के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दिया, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, इसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों के पी एंड एल में 15 में कितना जाएगा, 16 में, 17 में कितना जाएगा, 16 में कितना जाएगा और 15 में कितना जाएगा? इंटरेस्ट बताएं कितना जाएगा, 25, 17 और 9। कैलकुलेटर पकड़ें, डेप्रिसिएशन, आरओयू की कॉस्ट पकड़ें, 249, 249। लाइफ बताएं, 3 साल, 249 को डिवाइड करें 3 से, 83। ये अकाउंटिंग वालों का क्या बन गया? पी एंड एल। ये अकाउंटिंग वालों का क्या बन गया? पी एंड एल। अकाउंटिंग वालों के पी एंड एल में क्या क्या गया? इंटरेस्ट, 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 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। डन हो गया। अच्छा मुझे ये बता दें, 3 सालों में मुकम्मल कितना खर्चा बुक किया है? 3 सालों में मुकम्मल कितना खर्चा बुक किया? पकड़े पकड़े कैलकुलेटर, 3 सालों में मुकम्मल कितना खर्चा बुक किया? और मजे की बात है, ये 300 का खर्चा बुक किया है, वजह पता है क्या है? इसकी पीवी को डेप्रिशिएट कर दिया और इंटरेस्ट को खर्चे में डाल दिया, तो टोटल 300 ही बनते ना, पीवी को डेप्रिशिएट के नाम से खर्चे में डाल दिया और 249 में से 300 का डिफरेंस बाकी इंटरेस्ट, तो 249 डेप्रिसिएशन के नाम से खर्चे में चला गया, इन तीनों का टोटल ये क्या है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और बाकी क्या है? इंटरेस्ट। इन तीनों का टोटल 6 फिगर्स टोटल करने, जवाब क्या है? अगर मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूं, अभी एक सवाल कराया था, चौथे साल के एंड पे खड़ा था, दोनों की बीवी 0 आ गई थी, अगर मैं तीसरे साल के एंड पे खड़ा हूं तो मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा बुक किया है? 300। मेरी बला से जिस मर्जी नाम से किया हो, चाहे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के नाम से किया हो, चाहे इंटरेस्ट के नाम से किया हो, बस ओवरऑल बताएं तीसरे साल के एंड पे अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? टैक्स वाले कह रहे हैं तुम भी 300 ही खर्चे में डालो, लेकिन पहले साल का खर्चा 100 रुपए, दूसरे साल का खर्चा 100 रुपए, तीसरे साल का खर्चा 100 रुपए। ये किनका वाला पी एंड एल है? टैक्स वालों का। भाईजन मैं आपको लेके जा रहा हूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, कहां लेके जा रहे हैं? चुप 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 चुप, पहुंचेंगे फिर बताना, पहुंचो पहुंचो, आ जाओ, आओ भाईजन आ जाना यार, तेरी मेहरबानी। ये किसका पी एंड एल बन गया? अकाउंटिंग वालों का, अकाउंटिंग वालों का। इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। इसके बिल मुकाबिल किसका पी एंड एल बनाऊं? टैक्स वालों का। किन सालों का? 17 का, 16 का और 15 का। इस पी एंड एल में बोले 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 क्या डालूं? रेंट कौन से वाले कॉलम से मिला करेगा? इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम से मिला करेगा। इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में जाके देखें 15 में कितना है, 16 में कितना है, 17 में कितना है। सो टैक्स वाले कहते हैं ये हमें नहीं पता तुम लोग क्या करते हो। गाइज वी डोंट नो व्हाट इज दिस, गाइज वी डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट द फिशी फिशी थिंग यू आर डूइंग, वी डोंट नो। तो बता दें अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? इट्स नॉट सो, अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला? ना 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 ना, अकाउंटिंग वालों ने कहां खर्चे में डाला, वो तो मैंने छुपा दिया है। टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला? 100, 100, 100। तो टैक्स वालों ने 100, 100, 100 खर्चे में डाला, क्योंकि टैक्स वालों के सामने ये दुनिया ब्लैक है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना प्रिंसिपल है, ना इंटरेस्ट है, ना बैलेंस है, ना तुम्हारा एसेट है, ना लीज लाइबिलिटी है, ना ये लीज है, ये तो रेंट एक्सपेंस है। तो आप बता दें पहले साल टैक्स वालों का खर्चा 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, 100, 100, 100। अच्छा टोटल 300। आप बता दें हमारे और टैक्स वालों में जो इख्तलाफ आया वो एक आरजी नेचर का इख्तलाफ था, क्योंकि पहले साल 25 से 83 108 खर्चे में डाल रहे थे, कौन? हम। लेकिन टैक्स वाले कितना खर्चे में डाल रहे थे? 100 डाल रहे थे। तो अब मेरे ख्याल से शायद ये बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे करंट टैक्स की वर्किंग में बता दें क्या उल्टाऊंगा क्या डालूंगा, क्या करंट टैक्स की वर्किंग में 2015 के साल में
क्या उल्टाऊंगा, क्या रिकॉर्ड करूंगा, जल्दी जल्दी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों के इंटरेस्ट को ये वाली किताब मान रही है या नहीं मान रही? नहीं मान रही। इसकी जगह क्या माइनस करने दे रही है? किस्त, किस्त, रेंटल। इसकी जगह रेंट माइनस करने दे रही है। तो 2583 को उल्टाएं और उल्टा के किसे माइनस करें? टैक्स वाले डेप्रिशिएट कर रहे हैं या रेंटल माइनस करने दे रहे हैं? रेंटल माइनस करने दे रहे हैं। टैक्स वाले असल में ना इस एसेट को एसेट मानते ही हैं। ये कहते हैं तुमने किस्तों पे कोई नहीं एसेट उसे लिया, बस तुम किराया पे कर रहे हो। अब करंट टैक्स की वर्किंग मैं आपके सामने आज शो करने लगा हूं, लीज की कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। करंट टैक्स में आपको पता है अकाउंटिंग वालों की चीजों को उठाते हैं और टैक्स वालों की चीजों को डालते हैं। जी, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन हमने उल्टा दी, प्रॉफिट तीनों सालों का मैंने कह दिया 200 था। प्रॉफिट से शुरू करते हैं ना, और पहुंचते कहां हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट। अकाउंटिंग वालों की चीजें उल्टा दी और टैक्स वालों की रिकॉर्ड कर दी। अच्छा, और मजे की बात देखें एक और, इसका टोटल भी 600 होगा, इसका टोटल भी 600 होगा। वैसे बता रहा हूं एक मजे की बात, अकाउंटिंग प्रॉफिट तीनों सालों का 600 और टैक्स वालों का प्रॉफिट 208 जमा 200 जमा 192 600। टैक्स वालों का प्रॉफिट भी सारे सालों का 600। ये महज इत्तफाक नहीं है, ये लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात बेस कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ पैदा हुआ, दिखने में इख्तलाफ है, वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन को खर्चे में डालो, इंटरेस्ट को खर्चे में डालो, IFRS वाले कह रहे हैं। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, रेंटल को खर्चे में डाल दो। तो अब मुझे बता दें क्या जो टैक्स आ रहा है वो भी मेरे ख्याल से 200 जमा 200 जमा 200 600 का कोई 30% ही आ रहा होगा। इन तीनों सालों का टोटल भी कर लें, बहरहाल वो छोड़ें, अभी इन चक्रों में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो बता दें व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट और इन करंट टैक्स वर्किंग ऑफ लेसी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाना है और रेंटल रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाना है और रेंटल रिकॉर्ड करना है। चलें अब ऐसा करें कि टेस्ट की डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन एक दफा अपनी बुक में आके आप ये जो हमने आज सारी चीजें पढ़ी हैं इनको टिक कर लें। पेज नंबर 258, पेज 258 क्या पढ़ना शुरू किया हमने? करंट टैक्स की वर्किंग, पेज नंबर 258। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को और अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को और इंपेयरमेंट लॉस को उल्टाना है और इसकी जगह टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। मैंने आपकी आसानी के लिए नंबर 1 डाल दिया इधर ताकि रिदम बरकरार रहे। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड करने और टैक्स वालों का लॉस लेस करना। अकाउंटिंग वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों का गेन लेस करने और टैक्स वालों का गेन, बैड डेट एक्सपेंस ऐड करने और बैड डेट रिटर्न ऑफ लेस करना। अच्छा, अगली चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, ये दोनों बता दें, ये जिसके साथ मैंने 6 लिखा हुआ है, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज एसेट क्या करना है? ऐड। इसकी जगह लीज रेंटल क्या करना है? लेस करना है। तो ये एक रिदम में चीजें चल रही हैं, 1 की जगह 1, 2 की जगह ये, 3 की जगह ये, 4 की जगह ये, 5 अभी पढ़ाया नहीं, 6 यहां 2 हैं, इनकी जगह क्या माइनस करने की जरूरत है? लेकिन रेंटल पेड आपके लिए कंफ्यूजिंग चीज है, यहां आपने ना इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम से फिगर उठाया करनी है कि जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है वो माइनस करने की जरूरत है। और कोई चीज यहां पड़ी हो तो मुझे हाईलाइट करवा दें। एक्सेलेंट, ये एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड, ये दो चीजें भी आज पढ़ी हमने। क्या चीज? अच्छा, लेसी जो है, हाँ नहीं है, बिल्कुल लेसी की अकाउंटिंग IS 12 के साथ हमारे सिलेबस में है, लेसर की अकाउंटिंग IS 12 के साथ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस मैंने लेसी को IS 12 में डलवाया आज, लेसर को IS 12 में नहीं डलवाया आज। IS 12 में हमने काफी चीजों को डाला है, IS 16 को भी डाला है, अकाउंटिंग टारगेट टैक्सेशन माइनस की। आज IS 12 में हमने IS 38 को भी डाला है, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन ऐड करके टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस की। और इसमें हमने IFRS 16 को भी आज डाला है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऐड करके लीज रेंटल या इंस्टॉलमेंट्स क्या कर दी? माइनस कर दी। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10 हम कर रहे थे कल, लीज का निकाल लें। जी, ये जो डीलर लेसर होता है या सप्लायर लेसर या मैन्युफैक्चरर लेसर,
इसके पास क्या प्लांट वगैरह मशीनें वगैरह स्टॉक के तौर पे इन्वेंट्री के तौर पे पड़ी होती हैं? जी बिल्कुल। अब मोहतरम, अगर ये साबित हो गया था कल कि मशीन बी की लीज में पांचों के पांचों टेस्ट का जवाब नो आ गया है, तो ये लीज कौन सी है? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग लीज का क्या मतलब है? सबर सबर, मशीन बी, जरा सोचें, मशीन बी सप्लायर ऑफ प्लांट ने किस नियत से ली होगी? कैश पर बेचने की नियत से ली होगी, क्योंकि इसका तो कारोबार सप्लाई करना है चीजें, लेकिन कैश पे शायद बिक ना रही हो, तो किसी कस्टमर ने आके कहा कि मुझे आप लीज पे बेच दें। तो जब मशीन बी इसने खरीदी होगी, मशीन बी इसने खरीदी होगी, तो बाजार से कितने की खरीदी होगी? 15 मिलियन की या 18750 की? 15 की। एक्सेलेंट। ये डीलर लोग करते क्या हैं? डीलर लोग बाजार से चीज खरीदते हैं कॉस्ट पे और आगे फेयर वैल्यू पे बेचते हैं, ठीक है? तो डीलर क्या करता है, बाजार से चीज खरीदता है और बेचता किस पे है? फेयर वैल्यू पे। मुझे बता सकते हैं आप कि जब डीलर ने बाजार से ये मशीन ली होगी, तो मशीन ए और मशीन बी किस नियत से ली होगी कि मैं कैश पर बेचूंगा? तो इसने मशीन ए लेते हुए भी एंट्री की होगी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और मशीन बी लेते हुए भी क्या एंट्री की होगी? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद अगली एंट्री क्या होनी है, यह डिपेंड करता है कि आपने मशीन बेच दी है कैश पर, जो कि यहां पे शायद टेस्ट ना करें क्योंकि ये तो इंट्रो की क्लास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, या आपने मशीन बेच दी है फाइनेंस लीज पर, या आपने दी है ऑपरेटिंग लीज पर। मुझे बता दें, जो डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर है, जब वो मशीन खरीद ले, तो इसके पास इसके बाद तीन ऑप्शंस होती हैं। कोई अमीर बंदा आगे तो उसे कैश पे बेच देगा, ये एंट्रीज तो हमारे स्कोप में नहीं है क्योंकि हम तो लीज पड़े हैं। तो कोई गरीब बंदा आ जाए तो उसे कह देगा, भाईजान आपको अच्छे खासे अरसे के लिए चाहिए तो फाइनेंस लीज कर लेते हैं, अगर थोड़े अरसे के लिए चाहिए आपको तो ऑपरेटिंग लीज का अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो भाईजान आपको पता है कि इस कस्टमर के साथ तो हमने फाइनेंस लीज का अरेंजमेंट किया, यानी ये हमने फाइनेंस लीज पे बेच दिया। तो इस एंट्री के बाद अगली एंट्री क्या होगी, ये बहस अभी मैं आपसे करने लगा हूं, लेकिन फिलहाल मैं मशीन बी के ऊपर बात करने लगा हूं। मुझे बताएं, ये मशीनें जब इन्होंने बाजार से खरीदी होंगी तो क्या एंट्री की होगी? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री अगर आप लिख लें ऐसे करके जिस तरह मैंने लिखी है, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, ये दोनों एंट्रीज हम इंशाल्लाह पेपर में नहीं करेंगे, ये दोनों एंट्रीज पेपर में करने की जरूरत नहीं। अनलेस के सवाल कह दे कि मशीन फला दिन को खरीदी है, ये एंट्री भी कर दो। मैं फिक्स ऐसे डेबिट क्यों नहीं कराया? एक्सेलेंट। सप्लायर ऑफ प्लांट, सप्लायर ऑफ प्लांट, वो जो मैंने आपको गाड़ियों का शोरूम दिखाया था ना जेल रोड के ऊपर, तो वो जब लैंड क्रूजर मंगवाता है, लैंड क्रूजर की तस्वीर दिखाई थी, तो वो इन्वेंट्री डेबिट करता है, फिक्स ऐसे डेबिट नहीं करता, क्योंकि उसके तो कई लैंड क्रूजरें पड़ी होती हैं, तो वो इन्वेंट्री डेबिट करता है। अच्छा, अगली एंट्री क्या होगी मुझे बता दें। हिम्मत हिम्मत, मशीन ए मशीन बी, फिर इंशाल्लाह मैं जाके आपको ये एंट्रीज जो है वो सफे से भी दिखाऊंगा, जो सफा हमारा समरीज वाला है। मशीन ए खरीदने की एंट्री क्या की होगी? इन्वेंट्री डेबिट। ये सोच के खरीदी होगी कि इसको इंशाल्लाह मैं हो सकता है पैसों में ही बेच दूं। अगर साबित हो जाए कि फिर ये लीज जो है फाइनेंस लीज है, तो एंट्री क्या होगी? लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, सेल क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। और आपको याद है यहां कॉस्ट से एंट्री होती थी, डन। ये एंट्री होती है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में, फाइनेंस लीज में। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज है तो मैंने कहा था ये एक एंट्री आज आपको नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे बता दें, अगर मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई है, मैं सोचूं किसी को 6 साल में से 3 साल के लिए किस्तों पे दे दूं, तो आपको फीलिंग नहीं आ रही कि ये तो मैं फिक्स एसेट बना के किराए पे दे रहा हूं? तो मैंने ये कहा था कि ये एंट्री एक कर दें, ये तो दोनों एंट्रीज कॉस्ट पे हुई है ना, फेयर वैल्यू पे नहीं हुई, ये एंट्री एक कर दें पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और ये एंट्री कॉस्ट पे ही होगी क्योंकि आपने तो कॉस्ट पे ही मशीन खरीदी हुई है ना, अब आपने तो फेयर वैल्यू पे बेची ही नहीं, आपने कॉस्ट पे खरीद के आगे किस पे दे दी? किराए पे दे दी। और इसके बाद अल्लाह का शुक्र है, आपको पता है एंट्रीज क्या होती हैं? आया कमाया, आया
कम आया और अगली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, अगली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की. सो लेट अस मेक मेक द थिंग्स इन ए वेरी गुड एंड ब्यूटिफुल फॉर्मेट सो दैट दोज कैन बी यूज इन फ्यूचर. मशीन ए एंड मशीन बी, दिस इज अ कॉन्सेप्ट फॉर डीलर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर. बाजार से जाके इन्वेंट्री खरीदेगा, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, किस पे, कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट पे. और अगर कोई अच्छा बंदा आ गया तो उसको हो सकता है पैसों पे ही बेच दे, उसे पैसों पे ही बेच दे. लेकिन अगर लीज के 5 टेस्टों में से एक टेस्ट का जवाब क्या आ गया, यस, तो फिर किस पे बेचेगा, फाइनेंस लीज पे. फाइनेंस लीज का मतलब है फिर लीज रिसीवेबल बुक करेगा एनआई पे, कॉस्ट ऑफ सेल बुक करेगा लोअर पे, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल बुक करेगा कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी, ठीक है, ये सारा आपको याद आ रहा होगा. और सेल रिकॉर्ड करेगा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, और क्रेडिट किसको करेगा, इन्वेंटोरी. ये कौन सी लीज पे चल पड़ी है, फाइनेंस लीज. इसके बाद किराया आएगा, कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एडवांस का सवाल नहीं है, एरियर का सवाल है. ये कौन सी लीज चल पड़ी, फाइनेंस. और अगर ये ऑपरेटिंग लीज होगी तो इन्वेंट्री किसका काम देगी, फिक्स्ड एसेट का काम देगी और क्या जनरेट करके देगी, किराया. तो फिर क्या एंट्रीज होंगी, पीपी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट. सोचा था बेचेंगे लेकिन अब ये फिक्स एसेट के तौर पे मुझे हेल्प करेगी, ये एंट्री किस पे होगी, कॉस्ट पे होगी. और आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल कमाया, रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट. और आगे डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन. और डेप्रिसिएशन में इस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आप यूजफुल लाइफ पे, और आईडीसी को डिवाइड करेंगे लीज टर्म पे, आईडीसी को डिवाइड करेंगे लीज टर्म पे. और ऊपर हमने क्या हेडिंग दी, मैन्युफैक्चरर या, मैं भी नोट करने का आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर. और ये फाइनेंस लीज हो गई और ये ऑपरेटिंग लीज हो गई. चलिए ठीक है, बाद भी वो सवाल तो नहीं हो सका लेकिन ये नोट कर लें. मैं अभी ऊपर करने करता हूँ एक एक करके, फिर जूम भी कर दूंगा. चले पहले तस्वीर जिन्होंने लेनी है, ग्रुप में से ग्रुप की कितने बंदों का बनाया हुआ है, एफ टू का ग्रुप बनाया हुआ है आपस में, कितने बचे हैं उसमें, 30 एक हैं. अच्छा, अगर आपका ग्रुप इतना स्ट्रांग हो गया है तो अब 50-50 रुपए लेके औरों को भी ऐड करूँ, यानी कि उसमें इतनी यूटिलिटी है, कुछ आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन है. तो जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब देता हूँ मैं, समझ लो इसी का जवाब देने आया हूँ. दोनों को साथ साथ चलाएं क्योंकि मैं ऊपर कर रहा हूं. ओके, अब अगर मैं एक चीज आपसे पूछूं आपको बुरा ना लगे, सिंपल लेसर या बैंक, सिंपल लेसर या बैंक, वो क्या एंट्री करता था, एसेट डेबिट कैश या पीपी डेबिट कैश क्रेडिट. इन दोनों की जगह सिंपल लेसर क्या एंट्री करता था, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट. वो सिर्फ एसेट को खरीदता था और खरीद के किस पे दे देता था, लीज पे दे देता था. अभी ये चीजें समरी में जरा हाईलाइट कर लें. अभी भी आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन 10 को, फिर कोई मसला हुआ, मैंने किसी वजह से इस सवाल को ना टेस्ट में दिया था. अभी भी आप ट्राई कीजिएगा, एक दो चीज़ें इसमें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा. और होमवर्क आज तो हाँ ठीक है, पिछला रिवाइज करें, ठीक है. एथिक्स याद करें, थोड़ा होमवर्क एथिक्स याद करें. अच्छा, समरी की तरह पेज नंबर
यार एक चीज बड़ी मजे की होने लगी है, आप समझ रहे हैं कि समरी में हुई हुई और मुझे पता है कि नहीं हुई हुई, तो नहीं हुई हुई को जब हुई हुई करवाना पड़ेगा तो हुई हुई किताब को बंद ना करें, हुई हुई किताब को खुली रहने दें। हाँ जी, आपको तो मैंने ये बताया था कि सिंपल लेसर एंट्रीज करता है ऑपरेटिंग लीज की, ये ऐसा डेबिट पेज नंबर 65, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, आया कमाया और डेप्रिसिएशन, याद है। तो आज मैंने आपको यह बताया है कि मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर, हियर इन्वेंटरी विल बिकम एन एसेट जस्ट लाइक एंड विल बी डेप्रिशिएटेड, द शिफ्टिंग जनरल एंट्री वुड बी डेबिट पीपी एंड क्रेडिट इन्वेंटरी, नेपच्यून लिमिटेड वाला मशीन बी वाला सवाल। ये किताब का कौन सा पेज है? 66। असल में मेरे भाइयों बबलू, ये पहली एंट्री करता है इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट कॉस्ट पे, और अगली एंट्री क्या करता है बोले? पीपी डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट, किस पे? कॉस्ट पे। वो सेकंड फ्लोर पे कौन सा रूम है? 8, रूम नंबर 8 में आ जाएं एक दो मिनट बाद, जो लोग जरा मेंटली फ्री हैं, रिलैक्स हैं, वरना कल YouTube के ऊपर देख लें, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की डिस्कशन होगी, IS-21 के MCQs हैं। क्लोज करो यार, सवाल में लिखा हुआ था ही सोल्ड टू मशीन्स, ये जो सोल्ड का लफ्ज है ना मशीन है, और भी ये धोखा है, सोल्ड का लफ्ज लीज में चलता ही नहीं। सोल्ड जब भी लफ्ज आ जाए आपने टेस्ट लगा के देखने हैं, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है, तो फाइनेंस वाली को सोल्ड कह सकते हैं, दूसरी वाली को सोल्ड कहना मुनासिब नहीं था वैसे।